ये 30 रुपए की है, ये 2500 रुपए की है। अगला 30 रुपए में ज्यादा दे रहे। लेजेंड्स आर स्टिल सेइंग ये सादा है। आपका बिल आया सर 2568 रुपए। आप सोचो ये एक एक नूडल मोतियों के बराबर है, क्या लगता है 30 रुपए, 270 रुपए, 720 रुपए और 2500 रुपए में से सबसे बढ़िया कौन सा है? कमेंट करके बताओ। वीडियो पे लाइक करना। हाय गाइस, तन्मय डिसाइड फ्रॉम वेजी पाजी और आज की वीडियो में हम लोग फिर से बना रहे हैं चीप वर्सेस एक्सपेंसिव का एक और बेहतरीन पार्ट, जिसके अंदर सबसे सस्ते वाले 30 रुपए नूडल्स को कंपेयर करेंगे सबसे महंगे वाले 2500 रुपए के नूडल भाई, और उसके बीच में ये और ये पूरी जर्नी होगी। तो वीडियो एंड तक देखना और कमेंट करके बताना आपको सबसे बढ़िया कौन से नूडल लगे हैं, सबसे सस्ते वाले या सबसे महंगे वाले। इसकी एक प्लेट इसकी 85 प्लेट के बराबर है, 85 प्लेट। पूरी बिल्डिंग खाना खा लेगी, कुछ तो अपार्टमेंट होते हैं इतने, वही खा लेंगे। सबसे सस्ते वाले नूडल की क्वांटिटी देखो जरा, ये तो सही है। 30 रुपए में देखो इतनी भर भर के नूडल डाले, और फुल प्लेट कितनी है? 50 रुपीज। भाई हम लोग हंस इसलिए रहे क्योंकि मेरे को यकीन नहीं हो रहा, ये हाफ प्लेट है और ये 30 रुपए की है। कितनी बार पूछा है? इसकी फुल प्लेट 45 रुपए। अगर आपको अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, रोहिली सेक्टर 17 में एक दुकान है दावोदर फास्ट फूड, भगा के वहां पहुंच जाओ। 45 रुपए में फुल प्लेट, 30 रुपए में हाफ प्लेट नूडल्स, 2500 रुपए की चौमिन को ये कम लग रही है? अगला 30 रुपए में ज्यादा दे रहे। कट्टे 30 रुपए की चौमिन है, ये 270 रुपए की चौमिन है, ये 720 रुपए की चौमिन है और ये 2520 रुपए की चौमिन है। अगला बंदा को बचता क्या होगा भाई? और ये पता है ये दुकान सालों से चल रही है, आज से 10-11 साल पहले ऐसा होता था ना कि गली मोहल्ले के लोग बोलते थे ओ यार पार्टी है, तेरा बर्थडे पार्टी दे। हमारा एक दोस्त था बड़ा शाना, वो ले गया ऐसी जगह पे, उसने कहा जो खाना है खाओ। ऐसे सुरीले लगते ना ये टर्म बर्थडे पार्टी पे, मेरे को पैसे नहीं भरने। छह लोगों को खाना खिलाया उसने, बिलाया 125 रुपए, भर भर के खा लिया भाई 6 लोगों को 125 रुपए। वो भी चला दामोदर फास्ट फूड भाई, सब्जी में पूरी है भाई। आज की वीडियो में कुछ भी खाना हम लोग खाएंगे ना सब कुछ महंगा ही लगेगा भाई। मेरे को लग रहा है मेरे को लग रहा है कि इसकी क्वांटिटी ज्यादा है एक्चुअली में ज्यादा होगी। पर्सपेक्टिव में दिखाता हूँ, ये प्लेट खाली है ना भाई, ये छोटी प्लेट है, कायदे से हाफ प्लेट चाउमीन इसके अंदर आनी चाहिए। ओ भाई पहाड़ लगा दिया तुमने, क्यों है ये? पहली बात ये मुझे बताओ, 30 रुपए की हाफ प्लेट, 270 रुपए की स्पाइसी चिली गार्लिक है, पर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना क्वांटिटी वो देखो आप, ये देखने में ये ज्यादा अच्छी लग रही है, पर जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो देखो, 30 रुपए की हाफ प्लेट, 270 रुपए की फुल प्लेट। ये फुल लग रहा है, ये हाफ लग रहा है। अब आ जाओ महंगी जगह पे, मामा गोटो है ये, ठीक है ना। अब आ जाती है 720 रुपए वाली चीज। 720 का मतलब समझते हो? ओ भाई जब आप लोग 720 रुपए खर्च करते हो ना, तो एक इंसान अपने हाथों से आपके लिए लिखता है थैंक यू फॉर स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन अस। उसको शायद पता चल गया होगा हम लोग चीप वर्सेस एक्सपेंसिव की वीडियो बना रहे हैं, भैया 30 रुपए की हाफ प्लेट दे दे। तो वो कोशिश कर रहा है हमारा दिल जीतने की भाई। ये है कोलकाता स्पाइसी नूडल्स। कोलकाता स्पाइसी नूडल्स दो डब्बों में क्यों आए हैं? साइड भी मंगवाया था क्या कुछ? और ये देखो भाई, फ्लैट नूडल्स है। लेजेंड्स आर स्टिल सेइंग ये सादा है। टक्कर में तो है, लेजेंड्स आर स्टिल सेइंग। आप कोई भी चौमिन ले आओगे ना भाई, अब कोलकाता वाले लोग देख के बताओ कोलकाता में ऐसे नूडल्स मिलते हैं? ये क्या है भाई, रोटी सब्जी खा रहे हैं क्या? ये तो मुझे समझ ही नहीं आया कॉन्सेप्ट। आप समझने की कोशिश करो यहाँ पे हो क्या रहा है। 30 रुपए वाले बंदे ने ना जब नूडल बनाए उसके अंदर सब्जियां डाल दी, 270 रुपए वाले बंदे ने नूडल बनाए उसके अंदर गार्लिक डाल दिया, उसका कलर देखो कैसा हो गया, कलर देखो दोनों का। 700 रुपए वाले बंदे ने सोचा मैं इनसे 700 रुपए कैसे लूं, तो मैं नूडल अलग देता हूँ और सब्जियां अलग देता हूँ, शायद इन ये लोग सोचे ओ भाई साहब क्या कर दिया तूने। जो 30 रुपए वाला बंदा नूडल और सब्जी एक साथ दे रहा था, इसने क्या किया नूडल और सब्जी अलग अलग दे दिया और लोग बोले ओ भाई साहब इसी के तो पैसे है सारे। अब देखो भाई इसके साथ में आपको मिलते हैं ये वाली चटनी, वो फैंसी विनेगर है, ये फैंसी है डिबिया। होली में कलर नहीं होते थे, होली आने वाली है, रंग भरी से 723 रुपए खर्च करें इस पे। आपका बिल आया सर 2568 रुपए। अब आपको दिखाते हैं, अब ये है ताज,
चाणक्यपुरी से हम लोगों ने मंगवाया है। रेस्टोरेंट का नाम आप सुनेंगे तो आप डर जाएंगे, प्योर वेजिटेरियन चैनल है, सारा खाना वेजिटेरियन है, रेस्टोरेंट का नाम तो स्पाइसी डक। ओके, चौमिन सच्ची सच्ची दिखा दे अब तो। What is the difference between Maggi and chowmein? I found this on the web. Actually, Maggi is a kind of a noodle. ठीक है। नहीं नहीं, हाकल नूडल टाइप होंगे ये। बचपन से खाते खाते ये बड़े हुए हैं। कभी थोड़े से कॉलेज वाले स्कूल में बारहवीं कर रहे थे तो गालिक गुल्लिक आ गई। ये तो चीजें अभी तक ली समझ आ रही। ये पता नहीं है ही क्या। और ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना अबीर जादों के शौक होते हैं, कितने भी बड़े हो जाएंगे इसको नहीं समझ पाएंगे। 1250 रुपए की एक कटोरी है, 2500 रुपए टोटल। आप सोचो ये एक एक नूडल मोतियों के बराबर है। क्या लगता है 30 रुपए, 270 रुपए, 720 रुपए और 2500 रुपए में से सबसे बढ़िया कौन सा है? कॉमेंट करके बताओ। सब खुल चुका है आपके भाई, मेरे को तो अभी भी नहीं इसी पे और क्वांटिटी भी सबसे ज्यादा इसी की लग रही है। जैसे होता है ना वो WWE में वो बेल्ट लेके आते हैं हेवीवेट चैंपियन। अगर बोलूंगा तो क्वांटिटी एक बराबर लग रही है। उसका पहाड़ देखो, उसका पहाड़ देखो कैसे। चलो भाई खाना स्टार्ट करें। सबसे महंगे वाली चौमिन सबसे पहले खाएंगे क्योंकि हम लोगों को उम्मीद है सबसे ज्यादा ना सबसे सस्ते वाले से, 30 रुपए वाले से। गाइस थोड़े से नूडल मैंने ना डब्बे में डाल लिया। एक बात की काबिले तारीफ करनी पड़ेगी, जब आप 2500 रुपए देते हो तो आपको नूडल बढ़िया मिलता है। वेजिटेरियन ग्रेवी है ये, देख रहे हो भाई, काफी रिच ग्रेवी है। ब्रोकली डाली हुई है इसके अंदर, मशरूम डाले हुए हैं इसके अंदर और महंगी महंगी सब्जियां डाली हुई है इसके अंदर। इसको इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। 2500 रुपए लिए ना इसके लिए, एक्सपीरियंस है। अब तो कोई नहीं बोल सकता कि हम लोगों ने इसको पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अब खाएं इसको, कुछ भी अच्छी आ रही है, तारीफ करनी पड़ेगी कुछ भी। और नूडल देखो भाई, क्वालिटी नूडल होगा, अलग टेस्ट है इनका। थोड़ा ना मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इनके जो ग्रेवी है ना वो काफी बढ़िया है, अच्छी है। जो सब्जियां इसके अंदर है उनके बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है, बट एट द सेम टाइम ये जो नूडल्स है ना ये फीके हैं। नूडल्स के बारे में सिर्फ एक अच्छी चीज़ है कि भाई ये मेरे को लग रहा है कि ये नूडल्स ना फ्रेश बनाए हुए हैं। ये फ्रेश नूडल्स है, अच्छे हैं पर फीके हैं। ये ग्रेवी है, इसको और इसको मिक्स कर देते हो तो कॉम्बिनेशन 75% तक अच्छा हो जाता है। 2500 रुपए के शायद वर्थ इट है। अच्छा, अगर आप वहां पे बैठ के खाओ तो आपको शायद अच्छा एक्सपीरियंस लगे। बाकी आप ताज पे जाते हो तो वो आइकॉनिक वो वाली फोटो भी खिंचवाते हो ना, वो ऐसे एकदम ऐसे सास बहू वाले सीरियल वाली तब तो ठीक है भाई, कोई माड़ा नहीं है मतलब। ठीक है, ताज के पनीर टिक्के की तरह इसको बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करूंगा। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग खाएंगे भाई ये चीज, कोलकाता वाली स्पाइसी नूडल्स, कोलकाता के स्पाइसी नूडल्स। वो भाई देख रहे हो, स्पाइसी कोलकाता के नूडल्स 700 रुपए के। सेम जो चीज़ यहाँ बोली थी वही चीज़ यहाँ बोलूँगा, नूडल्स अपने आप में बहुत ही बेकार है, पर जो सब्जी है ना वो स्पाइसी भी है, उसमें हरी मिर्च भी डाली हुई है और वो किक भी है। सब्जियाँ आर प्योर हिट भाई। अब ऐसे में कैसे हम लोग जज करें चीज़ को कि सब्जियाँ अच्छी हैं नूडल्स बेकार हैं, क्या होगा फिर इसको? बट पॉइंट ये है ना कि वहाँ पर तो ये एक प्लेट में देंगे ना। वहाँ पर जाओगे खाओगे तो एक प्लेटिंग होगी, एक ही इसमें पैक अलग अलग हुआ है। हाँ तो अच्छा लगेगा। ये फ्लैट नूडल्स हैं, इसके साथ में जो सब्जियाँ हैं एकदम आई थिंक इंडियनाइज फ्लेवर में बना रखे हैं। साथ में देखो सूखी हुई लाल मिर्च भी डाली हुई है, एकदम स्पाइसी वाला टच है बट एकदम आउटराइट स्पाइसी नहीं है। अब भाई अगले खिलाड़ी पे आते हैं, ये देखो स्पाइसी गार्लिक, आज सभी स्पाइसी है। चटनी हम लोगों ने एक बंदे की भी नहीं ली। अच्छा ओहो, यस यहाँ पे आपके पास जो है वो ही है। अगर आपको इसको आपको इंटरेस्टिंग बनाना है तो आपके पास ये ग्रेवी है, यहाँ पे अगर आपको ये फीका लगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें हैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो ये इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो ये मामा गोटो को हम लोग ताज से ज़्यादा नंबर देंगे।
दे सकते हैं भाई। सब हमारा ओपिनियन है, हमारे ओपिनियन में हमें ताज कभी कभार अच्छा भी लगता है, पर आज हमें ठीक लग रहा है। मतलब 10 में से नंबरिंग हम लोग करते ही नहीं है, नंबरिंग सब्जेक्टिव होता है ना, क्यों जैसे कुछ भाई को अच्छा लगे कुछ मेरे को ना लगे। तो ये ताज जो है ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, बस एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है, ये ताज है। और मामा गोटो इज गुड। अब हम लोग खाएंगे ओरिएंटल मॉम का स्पाइसी गार्लिक चाउमीन, ये है 270 रुपए प्लेट। भाई ये दोनों पता क्या है, एंड्रॉइड फोन्स, इनको कस्टमाइज करना पड़ता है अपने हिसाब से। ये है सैमसंग के एंड्रॉइड फोन्स, ये बढ़िया कस्टमाइज हो रखे होते हैं, फिर भी थोड़ा और कस्टमाइज करना होता है। और ये है एप्पल, इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो है जैसा है वैसा ही है। अगर थोड़ा तीखा लग रहा है तो सहना पड़ेगा, कम भी नहीं होगा। ये बढ़िया स्पाइसी है, ये बढ़िया, एकदम बढ़िया। और फिर आते हैं लेजेंड्स नोकिया 3300। आप स्पेस से भी फेंक दोगे ना फिर भी बच जाएगा, एप्पल से भी ऊपर भाई। 30 रुपए कमाल ना, ये स्पाइसी है ना, इसके अंदर सब्जियां ज्यादा है, इसका चाउमीन का पीस भी बड़ा एवरेज है, और ये 30 रुपए में इतना सारा दे रहा है। नोकिया 3300 में ना टच स्क्रीन है, ना उसके अंदर वेब ब्राउजर चलता है, ना व्हाट्सएप चलता है, ना फोटो खींचते हैं, पर वो नोकिया 3300 किसी कारण से है, और नोकिया 3300 से ऊपर कुछ नहीं है। 30 रुपए में एक आदमी, आई स्टैंड करेक्टेड, 30 रुपए में दो लोग आधा आधा पेट भर सकते हैं। मतलब अगर आपकी कम खाने की क्षमता है तो 30 रुपए में दो लोग पेट भर सकते हैं, इसके लिए इसको अव्वल नंबर। पर टेस्ट वाइज अगर मैं चूज करूंगा ओरिएंटल मॉम बेस्ट टेस्ट वाइज, अगर मैं ऐसा एक्सपीरियंस करूं कि मैं वहां जाके खाऊंगा क्या बढ़िया लगेगा, ताज। मतलब जब ये चीप वर्सेस एक्सपेंसिव वाली भाई वीडियो बनाते हैं ना, तब हम लोगों को समझ आता है असली क्यों चीजें 2500 रुपए की मिल रही है मार्केट में, और क्यों चीजें जो है ना 30 रुपए की फुल प्लेट मिल रही है। इसका नूडल ये देखो, आप इसका नूडल देखो और इसका नूडल देखो, ये देख रहे हो चीज भाई। ये कैमरा पे आ भी नहीं रहा होगा शायद, आ रहा है? आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। तो आपको समझ आ रहा है कि क्यों ये 30 रुपए का है, क्यों ये 2500 रुपए का है। क्या ये नूडल का टुकड़ा जो है ये आप 2500 रुपए का वर्थ करते हो इसको, वो आपके ऊपर है। बट आपको वर्थ क्या लगता है यहाँ पे मैं आपको बताऊं, वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको सबसे बढ़िया क्या लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि 1 मिलियन बहुत जल्द होने वाले हैं, और 1 मिलियन की वीडियो बहुत ही ताबड़तोड़ आने वाली है। ओके गाइस, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।